आज की इस वीडियो में मैं माइंड करने वाला हूँ स्ट्रेट लाइन में पूरे के पूरे 1 लाख ब्लॉक्स एंड कलेक्ट करने वाला हूँ एवरी सिंगल ओर इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। एंड आखिर में हम देखेंगे कि 1 लाख ब्लॉक्स माइन करने के बाद हम कितने ज्यादा अमीर बनते हैं। एंड इस वीडियो को बनाने में गाइस मुझे लेजिट 2 हफ्ते से भी ज्यादा लग गए। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो माइनिंग के लिए गाइस हम अपने बेस के सबसे पास वाले केव में चलते हैं जहाँ से लास्ट टाइम हमने अपने डायमंड के आर्मर के लिए माइनिंग की थी। सो अभी गाइस आप लोग मेरे एक्स कोऑर्डिनेट देख सकते हो जो कि 580, यानी कि जब हम ये चैलेंज कंप्लीट करेंगे तो हमारे एक्स कोऑर्डिनेट्स 1 लाख नहीं 1,580 होने वाले। तो चलो फिर देर किस बात की, माइनिंग करना शुरू करते हैं। और ओके, हमें पहले ही आयरन का ओर मिल चुका है। एंड एक चीज गाइस मैं आपको बताना भूल गया कि हमें जितने भी ओर्स मिलेंगे उन सबको हम सिल्क टच की पिकैक्स से माइन करेंगे। एंड लास्ट में जैसे हम 1 लाख ब्लॉक्स को माइन कर लेंगे उसके बाद उन सारे ओर्स को हम फॉर्चून 3 से माइन करके देखेंगे कि हमें एंड में कितने सारे ओर्स मिलते हैं। तो चलो फिर माइनिंग कंटिन्यू करते हैं। ओके सो गाइस, आज के हमें कुछ पहले डायमंड्स मिल चुके हैं। लेट्स सी कितने डायमंड्स है ये। हमें 4 तो मिल चुके हैं, 5, 6, 7, 8। ओके, हमें एक ही बार में टोटल 8 डायमंड्स मिल चुके हैं जो कि काफी अच्छी बात है। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि 1 लाख ब्लॉक्स को माइन करने के बाद हमें कितने डायमंड्स मिलने वाले हैं, आप एक बार सिर्फ गेस करो। तो चलो फिर हमारी माइनिंग कंटिन्यू ही रखते हैं। तो इसी के साथ गाइस फाइनली हम लोग 1000 ब्लॉक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। एंड भाई मेरे 1000 ब्लॉक्स को माइन करने में ही हालत खराब हो चुकी है, सोचो 1 लाख पे क्या ही होने वाला है। एंड अभी तक की गाइस मैं आपको लूट बताऊं तो देखो 1000 ब्लॉक्स को माइन करने पे मुझे करीब कुछ इतने सारे ओर्स मिल चुके हैं। लेकिन गाइस अब एक प्रॉब्लम हो चुकी है कि इनको रखने के लिए मैं शल्कर्स को लाना भूल चुका हूं। एंड शल्कर के साथ ही हमें काफी सारे एक्स्ट्रा पिकैक्स भी लगने वाली है। सो आई थिंक हमें एक बार तो अपने बेस पे जाके आना चाहिए। ओह शिट भाई, मैं टोटम रखना भूल गया हूँ यार, अभी मर जाता है यार। सबसे पहले टोटम किधर है, टोटम रखो भाई। तो चलो हम फाइनली केव से तो बाहर आ चुके हैं। एंड वैसे तो गाइस हमारे एंडर चेस्ट में काफी सारे शल्कर बॉक्सेस है क्योंकि जब हमने 50 एंड सिटीज को रेड किया था तभी हमने काफी सारे शल्कर्स को मारे थे। एंड अभी ये नहीं पूछना कि एंचेंटेड गोल्डन एप्पल्स कहां से है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना। तो शल्कर बॉक्सेस अलग से लेके जाने से अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एंडर चेस्ट ही अपने साथ लेके चले जाता हूँ। एंड अभी गाइस मेरे आप पिकेक्स की हेल्थ देख ही सकते हो कि 1000 ब्लॉक्स को माइन करते ही कितनी ज्यादा कम हो चुकी है। बट इसका अपने पास एक बढ़िया सा जुगाड़ है, जब हमने 50 एंड सिटीज को रेड किया था तभी हमें काफी सारी पिकेक्सेस भी मिल चुकी थी। तो इसमें से जो जो अच्छी है मैं उन सबको ले लेता। सो ओके गाइस, मैंने सारी अच्छी पिकेक्स को इस शल्कर बॉक्स में रख दिया है। आई थिंक 50,000 ब्लॉक्स तक तो ये आराम से चल जानी चाहिए। एंड गाइस अब एक काम करते हैं, अपने गोल्ड एक्सपी फार्म से अपनी सारी मेंडिंग वाली पिकेक्स को रिपेयर कर लेते हैं। तो सारी तैयारियों के साथ हम फिर से रेडी हो चुके हैं अपने माइनिंग को कंटिन्यू करने के लिए। एंड 1000 ब्लॉक्स माइन करने की खुशी में गाइस यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा देते हैं, बट अभी तो ये सिर्फ 1000 हुआ है, 99,000 अभी भी बाकी है। तो चलो फिर से लग जाते हैं माइनिंग करने के लिए। ओ, हम एक बड़ी से केव में पहुंच चुके हैं, लेट्स गो। एंड मैं इतना खुश इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि हमें काफी सारे ओर्स मिलने वाले, तो माइन करना तो बनता है। तो जितने ज्यादा ओर्स में माइन कर सकता था मैंने केव से माइन कर लिए। अब फिर से अपनी स्ट्रेट लाइन वाली माइनिंग को कंटिन्यू रखते। तो इसी के साथ गाइस फाइनली हमने 5000 ब्लॉक्स को माइन करके कंप्लीट कर लिया है। भाई साहब बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एंड इस खुशी की बात में ये साइन बोर्ड तो बनता है। एंड अब तक गाइस हमने कितने ओर्स कलेक्ट किए वो अगर मैं आपको बताऊं तो हमने ऑलमोस्ट हाफ शल्कर बॉक्स भर के जो है ओर्स को कलेक्ट कर लिया है, जिसमें हमें 2 स्टैक से भी ज्यादा डायमंड्स मिल चुके हैं। एंड इसी चक्कर में गाइस मेरी नेथराइट की पिकेक्स ऑलमोस्ट टूटने वाली थी, वो तो जैसे तैसे करके बच गई। तो एक काम करते, एक नई पिकेक्स निकालते हैं। एंड अभी इस पॉइंट पे गाइस मेरे पास कुछ और काम करने को तो था नहीं सिवाय स्ट्रेट लाइन में माइन करने के अलावा, तो मैं चुपचाप से अपनी स्ट्रेट लाइन में माइनिंग करते रहता हूँ ताकि हम जल्द से जल्द 10,000 ब्लॉक्स को कंप्लीट कर सके। तो वैसे हम गाइस 10,000 ब्लॉक्स को तो क्रॉस कर चुके हैं, बट ये एक्चुअल 10,000 नहीं हो गए क्योंकि हमने शुरू 580 से किया था तो खत्म भी 580 पे ही होगा। एंड अब गाइस एक्चुअल 10,000 ब्लॉक्स को रीच करने में थोड़े से ब्लॉक्स बाकी है। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमने अपने 10,000 ब्लॉक्स को भी माइन करके कंप्लीट कर लिया है। सच बताओ तो भाई साहब सही में काफी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, मेरे हाथ अभी से दुखना शुरू हो चुके हैं। बट ये अभी तक हमने सिर्फ अपने 10% गोल को कंप्लीट किया है, अभी भी 90% बाकी है। तो अब इसी बात पे 10,000 ब्लॉक्स का भी साइन बोर्ड लगा देते हैं। एंड ये देखो गाइस
गाइस कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ये। बस ऐसे हमें माइनिंग कंटिन्यू रखते हुए 1 लाख ब्लॉक्स का भी साइन बोर्ड लगाना है। एंड अभी तक की गाइस मैं आपको ओर्स का अपडेट दूं तो हमने जो है ऑलमोस्ट 1.5 शल्कर बॉक्स जो है भर के ओर्स को कलेक्ट कर लिया है। सो गाइस आप लोग गेस कर ही सकते हो कि 1 लाख ब्लॉक्स कम्प्लीट होने पे हमारे पास कितने सारे शल्कर बॉक्स भर के ओर्स होने वाले। तो चलो हमारे 90,000 ब्लॉक्स माइन करने अभी बच जाते हैं तो उसको भी फटाफट से कर लेते हैं। लेकिन एक मिनट, मेरे आसपास कल्क सेंसर है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं ब्लॉक्स को तोड़ रहा हूं तो मुझे आवाज आ रही। एक मिनट, क्या मैं एंशिएंट सिटी के अंदर हूं? नो वे भाई, लास्ट वाली वीडियो में गाइस हमने ऑलरेडी काफी सारी एंशिएंट सिटी को लूट लिया है तो अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है इस वाली को लूटने का। तो एक काम करते हैं, चुप से अपनी माइनिंग करते हैं। ओ वेट, स्पाइडर स्पॉनर। ओके एक मिनट रुक भाई, चल निकल तू निकल। लेट्स सी गाइस, सबसे पहले स्पॉनर तोड़ते हैं। चेस्ट में हमें क्या मिलेगा? बाल्टी। बाल्टी में देने की चीज है क्या? ओके गोल्डन एप्पल है और लक ऑफ द C3 रख लेते हैं, नेम टैग भी रख ही लेते। तो फाइनली गाइस हम लोग 15,000 ब्लॉक्स को भी कम्प्लीट करने ही वाले है। वैसे तो गाइस देखा जाए तो माइनिंग करने में मजा भी आ रहा है क्योंकि जैसे जैसे ओर्स मिलते जा रहे हैं एंड हमारे शल्कर बॉक्सेस भरते जा रहे हैं तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट ये डीप स्लेट काफी ज्यादा बेकार है यार, इनको माइन करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। बट क्या करें, माइन तो करना ही पड़ेगा। तो चलो करते हैं। ओ एक और एक केव, यानी कि और भी हमें भर भर के काफी सारे ओर्स मिलने वाले हैं। आज तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो कई घंटों के माइनिंग करने के बाद गाइस फाइनली हमने 20,000 ब्लॉक्स को भी माइन कर लिया है। लेकिन अब गाइस एक प्रॉब्लम हो चुकी है कि मेरी सिल्टस की पिकेक्स की हेल्थ काफी ज्यादा कम है। सो माइनिंग के बीच ये कभी भी टूट सकती है एंड मैं वहां से इतनी दूर से वापस नहीं आना चाहता। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना एक काम करते हैं, फटाफट से अपने बेस की तरफ जाते हैं, इस वाली पिकेक्स को रिपेयर कर लेते हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर पिकेक्स भी अपने साथ रख लेते हैं सिल्टस वाली, ताकि हमें बार बार बेस के चक्कर ना काटने पड़े। ओके गाइज वी आर बैक होम। अभी गाइज मैं सोच रहा हूँ कि हम आए हैं तो एक काम कर लेते हैं कि हमने जितने भी शल्कर बॉक्स भर के ओर्स लेके आए उन सबको हम खाली कर देते हैं चेस्ट के अंदर, ताकि हमें कुछ और खाली शल्कर बॉक्सेस मिल जाए। एंड गाइज अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो एंड आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक दे देना। अभी गाइज मैं ट्राई कर रहा हूँ एक नॉर्मल पिकैक्स को इंचेंट करके उस पर सिल्टस लेने का, जो कि मुझे पता है इतनी आसानी से तो मिलने नहीं वाली है, मुझे इसे बार बार डिस इंचेंट करके इंचेंट करना पड़ेगा। ओके लेट्स सी अब मिलता है। ओके लेट्स गो, सिल्टस तो मिल चुके बट खाली सिल्टस ही है। सो गाइज मेरे पास एक फॉर्चून वाली पिकेक्स है, तो अगर मैं इस पे सिल्टस लगाता हूँ तो फॉर्चून हटेगा क्या? लेट्स सी। ओके फॉर्चून हट चुका है यार, इससे मेरा काम इजीली हो जाएगा। ओके सो गाइस मैंने अपनी सारी मेल्डिंग वाली पिकेक्स को रिपेयर कर लिया हूँ एंड साथ ही मेरे पास कुछ बॉटल ऑफ एंचेंटिंग भी थे जो कि मुझे लास्ट टाइम एंशिएंट सिटी से मिले थे, तो मैं उसको भी रख ले रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत अपनी हेल्प हो जाए। सो ये गए अपने बचे हुए सारे ओर्स चेस्ट के अंदर। सो ओके गाइस हम फिर से आ चुके हैं माइनिंग करने के लिए एंड अभी भी 80,000 ब्लॉक्स माइन करने रह जाते हैं। सो फटाफट से अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखते हैं। ओके सो थोड़े से ब्लॉक्स बच चुके हैं एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमने 30,000 ब्लॉक्स को भी माइन कर लिया है। गाइस आप लोगों को तो काफी ज्यादा इजीली नजर आ रहा होगा बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1,000 ब्लॉक्स को माइन करने में गाइस 30-40 मिनट्स लग जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी हेस्ट नहीं है एंड ये डीप स्लेट सही में रोतड़े भाई, काफी ज्यादा स्लो टूटते हैं। सो इसी बात पे एक और साइन बोर्ड लगाते हैं एंड अब गाइस इसी स्पीड से माइन करते हुए बचे हुए सारे ब्लॉक्स को भी कंप्लीट करते हैं। ओके लेट्स गो, ये लग गया हमारा एक और एक साइन बोर्ड एंड फाइनली गाइस हमने 40,000 ब्लॉक्स को माइन करके कंप्लीट कर लिया है एंड अभी गाइस हम अपने 50% गोल के काफी ज्यादा क्लोज है। सो पहले तो गाइस ये गोल काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा लग रहा था बट अभी हम इतने ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, सो अभी ये करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। एंड अभी गाइस मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है माइनिंग करते हुए, एक बार देखते हैं हम कहां पहुंच चुके। ओके मैं ऑलरेडी 50,000 ब्लॉक्स पहुंचने वाला हूं एंड लेट्स गो गाइस हमने फाइनली 50,000 ब्लॉक्स को भी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमने अपने गोल का 50% कंप्लीट कर लिया है। तो इतनी बड़ी खुशी पे यहां पे लगा देते अपने अचीवमेंट का एक और एक साइन बोर्ड। बट गाइस अभी एक प्रॉब्लम है कि अभी मेरे पास काफी लिमिटेड पिकेक्स बच चुके हैं जो कि आई थिंक बाकी के 50,000 ब्लॉक्स को माइन करने में बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाले। सो आई थिंक हमें फिर से अपने बेस पे जाना पड़ेगा भाई, इतना टकरा के जाऊंगा तो पक्का मैं मरने ही वाला हूँ। ओके सो गाइस काफी सेफली हम फाइनली अपने बेस पे वापस आ चुके एंड 50,000 ब्लॉक्स को गाइस उड़ते उड़ते कवर करना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। सो अभी गाइस मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपने ओर्स के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए एंड उनके ऊपर हम जितने भी ओर्स को कलेक्ट करके लेके आएंगे उन सबको हम रखेंगे एंड एट लास्ट जैसे हम 1 लाख ब्लॉक्स को माइन कर लेंगे उसी के ऊपर हम अपने सारे ओर्स को माइन करेंगे फॉर्चून 3 की हेल्प से। बट उससे पहले एक काम करते हैं, इन चेस्ट के ऊपर हॉपर प्लेस करते एंड इन हॉपर्स के ऊपर हम रख देते अपने ओर्स से भरे हुए सारे शल्कर बॉक्सेस, ताकि
खाली होते रहे एंड हमें मैनुअली इन्हें जो है चेस्ट में शिफ्ट करना ना पड़े। एंड जब तक गाइस ये खाली हो रहे हमें काम करते हम अपने टूल्स को रिपेयर कर लेते अपने गोल्ड एक्सपी फार्म की हेल्प से। एंड अभी ना गाइस मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक नया एक्सपी फार्म बनाया जाए क्योंकि ये इतनी एक्सपी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे कौन सा बेस्ट एक्सपी फार्म बनाना चाहिए। सो सारे टूल्स रिपेयर करके गाइस अभी मैं आ चुका हूँ एंड मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड टाइप बनाया जाए एंड उनके ऊपर हम अपने सारे ओर्स के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे जो कि काफी ज्यादा इजी बनाने में। तो चलो फटाफट से बनाते हैं। सो ओके गाइस ये बन चुका है हमारा बड़ा सा प्लेटफॉर्म जायंट ओर्स को बनाने के लिए एंड इसी के ऊपर हम अपने जायंट ओर्स के स्ट्रक्चर्स को बनाने वाले। ओ भाई मैं क्या ही कर रहा हूँ ये। सो चलो गाइस अभी जायंट ओर्स के बनाने का सारा सामान कलेक्ट करना शुरू करते। सो सबसे पहले उसको बनाने के लिए मुझे वूल चाहिए होगा। एंड अभी गाइस अपने हार्डकोर वर्ल्ड में काफी ज्यादा तगड़ी चीज हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे एक डायमंड आर्मर के साथ स्केलेटन स्पॉन हो चुका है जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। बस अभी मुझे इसे कैसे भी करके सेव करना है ताकि ये डिस्पॉन ना हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे गड्ढा बनाने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैं इसको इसमें गिरा सकूं। एंड अभी मैं इसके लिए एक नेम टैग बना देता हूँ ताकि ये कहीं भी जाए तो ये डिस्पॉन ना हो। तो फटाफट से इसे नेम टैग देके भागते हैं क्योंकि गाइस मेरे आर्मर में लगा है थॉर्न्स एंड हो सकते हैं इसे मर जाए। और वेट ये तो ऑटोमेटिकली भाई खुद ही गड्ढे में गिर गया है। मुझे कैसे भी करके फटाफट से इसको नीचे गिराना पड़ेगा इससे पहले ये मर जाए। बस 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 इतना इनाफ होगा, फटाफट से इसे कवर कर लेते। अब नेक्स्ट गाइस जायंट ओर के लिए मुझे थोड़े से कंक्रीट पाउडर की जरूरत होगी, थोड़े मुझे अलग अलग कलर के टेराकोटास भी लगेंगे एंड साथ ही थोड़े से डीप स्लेट एंड अलग अलग तरीके के वुड भी। तो ओके गाइस सारे सामान के साथ हम फाइनली रेडी हो चुके हैं अपने जायंट ओर के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। बट गाइस जायंट ओर को बनाने से पहले हमें सबसे पहले उसका एक फ्रेम बनाना पड़ेगा जो कि बनेगा कुछ ऐसे। एंड इससे गाइस हमें इजीली पता चलेगा कि हमारे जायंट ओर का साइज कितना होने वाला है। अब गाइस बस मुझे एक काम करना है, मुझे इन सारे ओर्स को देखते हुए अपने सारे ओर्स को बनाना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले डायमंड ओर को बनाना शुरू करते हैं। एंड फाइनली गाइस हमारा जायंट डायमंड ओर यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है एंड ये सही में लेजिट काफी ज्यादा रियल लग रहा है। एंड गाइस मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा सेम दिखेगा। अब गाइस ऐसी मुझे बाकी के भी सारे ओर्स को बिल्ड करना है जो कि काफी इजीली बन जाएगा कुछ ऐसे। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली हमने सारे जायंट ओर्स को यहाँ पे बिल्ड कर लिया है एंड ये सही में गाइस काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। आप लोग गाइस मुझे कमेंट करके बताओगे कि आप लोगों को ये कैसे लगे। अभी नेक्स्ट हमने अपने जितने भी ओर्स को कलेक्ट करके लेके आए उन सबको हमें इसके ऊपर रख देना है। एंड ये रहे गाइस वो सारे ओर जो कि हमें 50,000 ब्लॉक्स को माइन करने के बाद मिले। एंड आप देख ही सकते हो कि हमें कितने सारे आयरन गोल्ड रेडस्टोन मिल चुके। डायमंड में आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं, वो आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में। एंड इसको भी गाइस काफी इजीली प्लेस कर देते हैं। सो 3, 2 एंड 1 लेट्स गो गाइस, हमने सारे ओर जितने भी कलेक्ट करके लेके आए थे उन सबको प्लेस कर दिया है। एंड गाइस अगर हम इन सारे ओर्स को काउंट करें तो ये है अराउंड 14,429 ओर्स। एंड एक चीज गाइस मुझे अभी पता चली है कि ये जो स्केलेटन ने डायमंड का आर्मर पहना है ये नेचुरली स्पॉन नहीं हुआ है। आप लोगों को तो गाइस पता ही होगा कि हमने अपने बेस के पास दो आर्मर के सेट रखे थे, एक था आयरन का आर्मर और एक था फुली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर। सो आई थिंक जब स्केलेटन हम पे अटैक करने जा रहा था उसका एरो जो है आर्मर स्टैंड को लग गया होगा और आर्मर सारे बिखर चुके होंगे और इसने पहन लिया होगा। बट गाइस एक चीज मेरे अभी भी समझ में नहीं आ रही कि कब से स्केलेटन आर्मर उठा के पहन लगे। मेरे साथ तो भाई साहब ये पहली बार हुआ है, आप लोगों के साथ गाइस अगर हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस अभी मेरे पास काफी कम पिकैक्स बची है एंड जो भी ये पिकैक्स है इन सब पे काफी बेकार एन्चेंटमेंट्स है। सो आई थिंक मुझे इसे डिसएन्चेंट करके वापस से एन्चेंट करना पड़ेगा। सो काफी ज्यादा टाइम लग गया बट फाइनली गाइस हमारे पास जितनी भी बेकार की पिकैक्स थी उन सबको हमने डिसएन्चेंट करके उस पे अभी हमने काफी अच्छी अच्छी एन्चेंटमेंट लगा दी है। एंड गाइस अभी हम लोग फिर से रेडी हो चुके हैं बाकी के भी 50,000 ब्लॉक्स को माइन करने में। तो चलो फिर देर किस बात की, अपनी माइनिंग को कंटिन्यू रखते हैं। तो अभी गाइस माइंड करते करते मुझे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है एंड अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आने लग गए। बट गाइस अभी मैं देख पा रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी 60,000 ब्लॉक्स को तो माइन करके ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है एंड हमें पता भी नहीं चला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे सब पता चल रहा है खासकर मेरे हाथों को। एंड गाइस अभी हम लोग 70,000 ब्लॉक्स के काफी ज्यादा क्लोज है। तो फटाफट से अपनी माइनिंग फिर से कंटिन्यू रखते। एंड इसी के साथ गाइज हमारे 70,000 ब्लॉक्स भी माइन होके कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अभी तक गाइज हमने अपने 70% गोल को कंप्लीट कर लिया है, अब बस बसता है 30% जो कि आई थिंक हम काफी इजीली कर लेंगे। बस ऐसी अपनी माइनिंग को हम कंटिन्यू रखते। एक मिनट, ये क्या चीज है, कुछ देखा देखा सा लग रहा है, क्या ये फॉसिल है? ओ भाई साहब गाइस हमें माइनिंग करते हुए बीच में एक फॉसिल मिल चुका है जहाँ पे काफी सारे डायमंड के ओर्स है। तो हम अपने काम की चीज ले लेते। एंड फाइनली गाइज 80,000 ब्लॉक्स भी हमारे माइन होके कम्प्लीट हो चुके। एंड गाइस अभी 1,00,000 ब्लॉक्स को क्रॉस करने के लिए हमारे सिर्फ 20% ब्लॉक्स को माइन करना ही बाकी है। एंड गाइस अभी मैं आप लोगों से मिलूंगा सीधा जब हम 1,00,000 ब्लॉक्स को क्रॉस करने वाले होंगे।
सो ऐसे गाइस देखा जाए तो हमने ऑलरेडी 1 लाख ब्लॉक्स को क्रॉस कर लिया है, बट क्योंकि हमने शुरुआत 580 ब्लॉक से की थी, यानी कि हमारा जो गोल है वो 1,580 पे खत्म होगा। एंड अभी गाइस हम लोग 1,580 ब्लॉक से काफी ज्यादा क्लोज है, कुछ ही ब्लॉक्स बचे। सो 4, 3, 2 एंड 1 फाइनली गाइस हमने 1 लाख ब्लॉक्स को माइन कर लिया है। सही में यार विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने 1 लाख ब्लॉक को माइन कर लिया है। यहाँ तक पहुँचने में भाई साहब काफी ज्यादा थकान हो चुकी थी, बट अब इस नंबर को देख के बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है। एंड अब इतने बड़े अचीवमेंट के लिए फाइनली एक लास्ट साइन बोर्ड लगा देते है। इस अचीवमेंट के लिए गाइस एक लाइक करना तो बनता है। सो अब गाइस फटाफट से अपने बेस की तरफ निकलते हैं, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि हमें 1 लाख ब्लॉक्स उड़ते उड़ते जाना पड़ेगा, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ बेस पे पहुंचने के बाद। एंड फाइनली गाइस काफी घंटों की उड़ान के बाद हम लोग फाइनली अपने बेस पे पहुंच चुके हैं। एंड अब गाइस बारी आ चुकी है सबसे पहले हमने जितने भी बाकी के ओर्स को कलेक्ट करके लेके आए उन सबको इनके ऊपर रखने का। तो ये रहे गाइस बाकी के सारे शल्कर बॉक्स भर के ओर, जो कि हमें बाकी के 50,000 ब्लॉक्स को माइन करने के बाद मिले। एंड एक बार गाइस लूट तो देखो, हमारे पास भर भर के सारे ओर्स आ चुके हैं। एंड गाइस अब बारी आ चुकी है इन सारे ओर्स को इन जायंट ओर्स के ऊपर रखने का। एंड गाइस आप लोगों का काम है कि आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि हमें टोटल फॉर्चून 3 से माइन करने के बाद टोटल कितने डायमंड्स मिलने वाले। सो फटाफट से जाके कमेंट कर दो। सो सबसे पहले रखते हैं अपने डायमंड ओर्स को, अब रखते हैं अपने गोल्ड ओर्स को, इसके बाद जाएगा आयरन ओर, अब नेक्स्ट आ जाएगा लैपिस का ओर, एंड फाइनली अब आ जाएगा वो ओर जो कि हमें सबसे ज्यादा मिला है, जो कि है रेडस्टोन। एंड ये देखो गाइस फाइनली हमने सारे ओर्स को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। एंड अगर देखा जाए तो हमें सबसे ज्यादा रेडस्टोन का ओर मिला है। एंड ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी सी रेडस्टोन की बिल्डिंग है। एंड जो हमें सबसे कम ओर मिला है वो देखा जाए तो वो है लैपिस लजूली का ओर। एंड गाइस अब टाइम आ चुका है इन सारे ओर्स को फॉर्चून 3 की हेल्प से माइन करने का। एंड गाइस अभी मैंने नोटिस किया कि इस चैलेंज को कम्प्लीट करते हुए हमारे 1,000 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। सो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। एंड गाइस अगर हम काउंट करें कि हमें 1 लाख ब्लॉक्स को माइन करने पे कितने ओर्स टोटल मिले हैं, सो हमें अराउंड 29,429 ओर्स मिले। सो सारे ओर्स को माइन करने से पहले गाइस मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बीकन सेटअप कर रहा हूँ, ताकि उससे हम हेस्ट का इफेक्ट लेके इजीली सारे ओर्स को माइन कर सके। सो इसी के साथ ये लग गया अपना बीकन। सो अब इसको रिश्वत देके एक हेस्ट का इफेक्ट ले लेते। एंड गाइस अब एक एक करके फॉर्चून 3 की हेल्प से सारे ओर्स को माइन करना शुरू करते। एंड इसी के साथ गाइस फाइनली हमने अपने सारे ओर्स को फॉर्चून 3 से माइन करके इन सारी चेस्ट के अंदर रख दिया है। सो शुरुआत करते हैं हम अपने रेडस्टोन वाले ओर के साथ। सो रेडस्टोन को गाइस मुझे ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि मुझे रेडस्टोन ही सबसे ज्यादा मिला था। एंड मेरे पास भर भर के रेडस्टोन के डस्ट हो चुके थे। एंड ब्लॉक्स बनाने के बाद भी ये 2 चेस्ट से ज्यादा घेर चुके थे। एंड गाइस नेक्स्ट अगर हम देखें जो कि हमें सबसे कम मिला था, बट आप चेस्ट को देखो हमें कितने सारे लैपिस लाजुली मिले होंगे। सो इन सबको मैंने ब्लॉक्स में कन्वर्ट नहीं किया था, क्योंकि ये एक बार के लिए तो चेस्ट में आ चुके थे। सो अगर गाइस हम इनकी गिनती करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 9 डबल चेस्ट भर के लैपिस लजुली आ चुके, जो कि बहुत सारे होते हैं। एंड गाइस अब नेक्स्ट बारी आती है आयरन की, तो हमारे पास ये 1 चेस्ट भर के, 2 चेस्ट भर के, एंड ये ऑलमोस्ट हाफ चेस्ट हो चुके। अब देखते हैं हमें कितने गोल्ड मिले। सो ये हो गया 1 चेस्ट, ये हो गया 2 चेस्ट, एंड ये ऑलमोस्ट कम्प्लीट होने ही वाला है। एंड गाइस अब फाइनली बारी आ चुकी है डायमंड्स की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। सो अगर हम डायमंड्स को देखें तो ये रही गाइस पहली चेस्ट जो कि पूरी डायमंड से भर चुकी है, ये रही दूसरी चेस्ट, एंड ये तीसरी चेस्ट भी ऑलमोस्ट भरने वाली है। एंड गाइस अगर हम इन सारे डायमंड्स को काउंट करें तो ये अराउंड 9,472 डायमंड्स है, यानी कि हमें अराउंड 9,500 डायमंड्स मिल चुके हैं 1 लाख ब्लॉक्स को माइन करने के बाद। एंड गाइस अब आप लोगों का काम है कि मुझे कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट वाले एपिसोड में मुझे इन सारे डायमंड्स का क्या करना चाहिए। सो आज की वीडियो को गाइस करते हैं यहीं पे एंड। होप करते गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे काफी तगड़े तगड़े इवेंट एंड और भी काफी खतरनाक सी चीजें आने वाली है। सो डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।